बस नाइनटी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस और नो? यस ओके गुड। या तो स्टार्टअप करते हैं कि चीजों को आज मिड कैप की एज वेल एज द बैंकिंग की एक्सपायरी है तो करें तो क्या करें। ठीक है, 13 सितंबर है, करें तो क्या करें। पहले टाइम जोन देख लेते हैं, कैसा कौन सा टाइम जोन रहेगा जहाँ आपको इंट्राडे में स्कैल्पिंग के जरिए 2x मिल सकता है। ठीक है, तो आज टाइमिंग है, आप देखोगे टेलीग्राम में ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक, देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइम जोन है 9:15 से लेके 9:15 टू 9:55 सेलोन राइज है, मगर जो दो टाइम जोन है जहाँ आपको एक स्पाइक मिल सकती है 9:20 एंड 9:54, तो उसके अगल बगल में ही प्लस और माइनस 2-3 मिनट्स पे ही ट्रेड लेने की कोशिश करूँगी, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस है। 10:40 टू 10:45 इट्स अ बाय डिप्स, एंड 11:50 टू 12 इट्स अ बाय ऑन डिप्स। देन एक लास्ट टाइम स्लॉट है 12:10 से 2:05, उसमें 1:39 और 2:05 पे ही ट्रेड लेने की कोशिश करें, तो आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड इजीली में कर सकते हो जहाँ आपको अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो दो टाइम स्लॉट है सुबह का 9:50 टू 9:55 और 12:10 से 2:00, तो वही टाइम जोन पे ट्रेड करने की कोशिश करो तो रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो और बात रही लेवल्स की, तो लेवल क्या है, तो निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी एट प्रेजेंट आप देखोगे 26,178 के अराउंड है, तो ऊपर में अगर और जाता है तो मैक्सिमम 26,313 और 26,369, बॉटम साइड में आप देखोगे तो 26,016, 26,019 एज वेल एज द 25,954। ठीक है, बॉटम में यहाँ तक जाने के चांसेस, आज बड़ी इवेंट्स भी है F1 के ऊपर। ठीक है, तो मेजोरिटी केस में मार्केट में एक नेगेटिविटी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, मगर टाइम जोन को रिस्पेक्ट करोगे और उसको साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करो लेवल को, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और रही बात पर्टिकुलर स्टॉक्स की, तो कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ आपको अक्टूबर मंथ में मोमेंटम मिल सकती है, तो 10 अक्टूबर तक की एक लिस्ट है। ठीक है, जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, सिप्ला, सन फार्मा, इम्फी, एमजीएल एल एज वेल एज द JSW इंफ्रा, आरती फार्मा एंड टाइम टेक्नोलॉजी, आवास एज वेल एज एक्साइड इन्वेस्ट। ठीक है, मगर करना क्या है? ठीक है, तो आप 15 मिनट और सुपर ट्रेंड लगा के रखिए, अगर सिग्नल मिल रहा है तो एंट्री करिए, बाकी एंट्री मत किया कीजिए। ठीक है, वॉच लिस्ट में ही रखिए। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे तो 27 सितंबर से इसने सिग्नल दिया हुआ है सिप्ला में, तो कैरी ऑन कर सकते हो चीजों को। ठीक है, सन फार्मा में भी ऑलरेडी 26 सितंबर से सिग्नल मिला हुआ, कैरी ऑन कर सकते हो। लेवल क्या रहेंगे, तो लेवल भी आपको अपडेट्स टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम। और सन फार्मा, ठीक है, तो सन फार्मा में भी ऑलरेडी सिग्नल से कैरी ऑन कर सकते हो। या इम्फी इम्फी में भी आप कर सकते हो, 1898 के अबोव ही सस्टेन हो गए तो। ठीक है, एमजीएल एमजीएल में देखिए, एमजीएल में मत एंट्री बनाइए अभी, एट प्रेजेंट सिग्नल्स नहीं है। ठीक है, ऑल कार्गो में भी नहीं है। JSW इंफ्रा में देखेंगे तो JSW इंफ्रा में ऑलरेडी 27 सितंबर को उसने सिग्नल दे दिया है, और एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सन के जो ट्रांजिस्ट है वो फेवरेबल नक्षत्र में, वेल्थ वाले नक्षत्र में है। ठीक है, JSW इंफ्रा में भी ऑलरेडी सिग्नल है, पोजीशन बना सकते हो। आरती फार्मा में भी है, ब्रेकआउट होने का वेट करना है तो कर सकते हो, 6:27 का। ठीक है, और लास्ट एक्साइड इंडस्ट्री में भी आप देखोगे तो, या ऑलरेडी 27 सितंबर को उसने बड़ा ब्रेकआउट दिया है कैरी ऑन करके।
है, होल्डिंग कब तक करनी है? 10th अक्टूबर तक, जब तक सिग्नल सुपर ट्रेंड का और एक्सी के हिसाब से रहे तब तक, ठीक है? या एनीवन डाउट्स, या तक कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। एनीवन रिगार्डिंग द टाइम जोन, मिडकैप की एक्सपायरी डेट 13,200 की कॉल एंड पुट हमने वॉच लिस्ट में रखी है। एनीवन एनीवन डाउट्स? सर, जो आपने स्टॉक की लिस्ट दी है ना सर, इसमें या फोर्थ और फिफ्थ है जो सर, इसमें 10x10 क्या है सर इसमें? टेन बाई 10th अक्टूबर जो तक, स्टॉक की सर टेन आपने, अक्टूबर तक सन की ट्रांजिशन है, इट्स अ फेवरेबल में है, ठीक है? तो ओके वहां तक ही होल्डिंग है, ठीक है? ओके 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 ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अब और सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करिए। सिंक्रोनाइज करोगे तो रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। सिंक्रोनाइज करिए टाइम जोन, टाइम स्लॉट और सुपर ट्रेंड के सिग्नल को। जब तक सिग्नल दिखे तब तक ही एग्जिट, बाकी एग्जिट करने। एनीवन रिगार्डिंग द टाइम जोन या पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। या गेल एंड सेल में भी आप, जैसे हमने बताया हुआ था ऑलरेडी लास्ट वीक में भी, गेल एंड सेल में ऑलरेडी मोमेंटम और मोमेंटम दिखा। सर या ठीक है, तो गेल एंड सेल कैरी ऑन कर सकते हैं। जी, एनीवन सर डाउट्स? जी, रिगार्डिंग द टाइमिंग एज वेल एज द, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। सर आपने एक 555 ग्रुप में आपने एक ये पोटेंशियल स्टॉक्स और टाइम बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में दिया सर, पेड सर, वो आपने दोनों इकट्ठा कर दिया, लास्ट टाइम आपने अलग अलग किया था सर उनका दोनों का। क्या सर? जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना सर, उसका आपने अलग से रखा था, और पोटेंशियल जो स्टॉक पोटेंशियल्स है सर, जो स्टॉक के पोटेंशियल से ऊपर जाने के हैं वो अलग से रखा था सर आपने। अब आप की बार इन दोनों काफी जो इकट्ठे कर दिया सर आपने। यानी पता नहीं चला सर, अब क्या करें? मेरे कहने का मतलब था सर, आपने लास्ट टाइम में जो स्टॉक पोटेंशियल स्टॉक है ना सर, जो ओके, उनका 600 फी रखा था और इंट्राडे का अलग से रखा था, लेकिन अब की बार आपने 2400 इकट्ठा ही रख दिया दोनों का ही। अगर किसी नहीं को सिर्फ स्टॉक ही, पोटेंशियल स्टॉक ही खरीदना हो या उसमें इन्वेस्टमेंट करना हो, तो उसके लिए तो स्टॉक का ही खरीदेगा सर वो, ट्वेंटी सर, यहाँ फोर तो ऑलरेडी हंड्रेड ऑलरेडी यहाँ तो ऑलरेडी है ना सर, आप या इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो तो यहाँ तो ओपन ही है सर पोटेंशियल हाँ स्टॉक। यहाँ, हाँ वो तो बात सही है सर ओके, हाँ या आपने कुछ, डिफरेंट सर, ओके नो इशू, या क्योंकि 600 लगाना कोई ओके नो ज़्यादा इशू, बड़ी करेक्ट बात नहीं है, कोई कर सकता है, करेक्ट। लेकिन 2400 लगाना थोड़ा सा दिक्कत में है। एनी वन डाउट्स रिगार्डिंग द टाइमिंग एज वेल एज द पर्टिकुलर मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में? कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। गोल्ड में पोजिशनल जो कॉल जस्ट सेल पॉइंट कब मिला बनेगा? है और पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ, ठीक है? थैंक्स अलॉट। और जो भी टाइमिंग से, टाइमिंग को रिस्पेक्ट करिए विथ रिस्पेक्ट टू लेवल, ठीक है? तो दोनों को सिंक्रोनाइज करोगे तो रिजल्ट्स आपको बेहतर मिलेंगे इंट्राडे में। और मोमेंटम टाइम में हमेशा सुपर ट्रेंड भले वॉच लिस्ट में, जो जिसमें भी सिग्नल्स आए हुए ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए सिग्नल आए हुए सुपर ट्रेंड के हिसाब से, उसी में ट्रेड करने की कोशिश करो तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? और 3rd अक्टूबर से 9th अक्टूबर के बीच में माइनर करेक्शन से, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक्स को ट्रेड करने की कोशिश मत करो, ठीक है? तो एक जब करेक्शंस का टाइम है, टाइम जोन हमको नॉन होता है, ठीक है? क्योंकि भाई 3rd अक्टूबर टू 8th अक्टूबर एक करेक्शन है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अवॉइड करिए इक्विटी में, ठीक है?
क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होती है तब चाहते हुए भी स्टॉक्स में मोमेंटम आप नहीं ले पाते, ठीक है। तो बेटर है कि उसके अलावा के टाइम जोन को, जैसे अभी हमने ऑलरेडी गेल एंड सेल को रिकॉग्नाइज किया था लास्ट लास्ट वीक में, और वाकई दम बढ़िया मोमेंटम हुआ। तो 3 अक्टूबर के अराउंड अपनी पोजिशन को क्लोज कर लेना, जो भी पोजिशन बनाई है 3 अक्टूबर के अराउंड क्लोज कर दीजिए तो बेटर है, ठीक। एनीवन, और गोल्ड, जो भी गोल्ड लवर है, गोल्ड लवर के लिए बेटर टाइम है गोल्ड एंड सिल्वर। इट्स मेजोरिटी केस में आपको एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाई देगी फुल वीक में, क्योंकि सन एट प्रेजेंट पुश करना अमाउंट में है। तो गोल्ड एंड सिल्वर में मेजोरिटी ओवरऑल आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई देगी फुल वीक, पूरे वीक के लिए। तो इस हिसाब से ओके पोजीशन को मैनेज करिए। और ऑलरेडी टेलीग्राम में अक्टूबर मंथ की कुछ रेटिंग दी है, तो रेटिंग की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड के हिसाब से उसको मैनेज करिए, अगर जो पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट।